Hello students, let us continue with our topic. Yesterday we have completed with mitochondria. Today we are going to start with plastids. दो टॉपिक हमारे पास में और बचे हैं, खाली प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स. अभी खत्म हो जाएंगे. इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए. उसके बाद हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज अपन ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. प्लास्टिड्स, व्हाट इज प्लास्टिड? इट इज अ सेल ऑर्गेनेल which is present in only in which is present only in plants. Plastid क्या होता है? Actually ये एक ऐसा cell organelle है जिसके अंदर pigments present होंगे. वो pigments हमें नहीं चाहिए होते, इसलिए animals के अंदर plastids present नहीं है. Pigment मतलब जैसे chlorophyll, तो chlorophyll जो pigment है उसकी हमें जरूरत नहीं है, प्लांट्स को चाहिए, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर दैट फूड. तो वो क्लोरोफिल जिस जगह पर प्रेजेंट है उस सेल ऑर्गेनेल को हम लोगों ने एक जनरल नाम दे दिया प्लास्टिड. क्या खाली एक ही पिगमेंट होता है, खाली क्लोरोफिल ही होता है? तो नहीं, हमारे पास अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं. तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स. Plastids are divided mainly into two types. दो तरह के प्लास्टिक्स हम लोग लेते हैं. एक कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट और एक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिक्स, जिनके पास कलर नहीं है उन्हें हम लोग नाम देंगे ल्यूकोप्लास्ट. और जो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं जिनको हम अलग से कलरफुली देख सकते हैं, दोस कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट. ठीक, अगर हमारे पास में ग्रीन कलर का, इफ वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड या ग्रीन कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, देन इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, दिस ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. क्या बोला कि अगर हमारे पास ग्रीन कलर का क्रोमोप्लास्ट है या एक ऐसा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या? प्लास्टिड. प्लास्टिड मतलब क्या? सेल. उसके पास एक ही पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमने बोला कि या तो हमें कलर दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दे रहा कलर, स्पेसिफिक कलर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने नाम दे दिया ल्यूकोप्लास्ट. अगर ये हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है? बिकॉज इट हैज अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. और जो ग्रीन कलर का दिखता है उसको हम एक और स्पेशल नाम दे देते हैं कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट, कलरफुल है तो क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में भी अगर ग्रीन कलर दिख रहा है तो हम नाम दे देंगे क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन कलर क्यों दिखता है? तो ड्यू टू द पिगमेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल. अगर येलो कलर दिख रहा है तो येलो कलर क्यों दिख रहा है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज जेंथोफिल. बच्चा कुछ चीजें टेक्स्ट बुक में हैं और कुछ चीजें टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा हमें पढ़नी है. ठीक है, जो चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है उन्हें भी लिखिए. इट येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज जेंथोफिल. येलो टू ऑरेंज मतलब थोड़ा सा येलो और हल्का सा ऑरेंज, मिक्स कलर अगर हमारे पास में प्रेजेंट है येलो टू ऑरेंज कलर, तो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड एज कैरोटीन. ल्यूकोप्लास्ट इट इज कलरलेस प्लास्टिड. इट स्टोर्स, क्या काम करता है ये? इट स्टोर्स स्टार्च.
क्या स्टोर करेगा ये स्टार्च स्टोर करने का काम करेगा। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, तो कुछ ऑयल प्रेजेंट होते हैं या फिर थोड़े बहुत प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन चीजों को स्टोर करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड ओनली इन प्लांट्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स while chromoplast are colored plastids. These colorless plastids help to store starch, oil and protein. While the colored plastids help to store different types of pigment. These are colored due to the presence of different types of pigment. If it is of green color, then it is due to the presence of pigment called as chlorophyll. Yellow color due to the presence of xanthophyll. Yellow to orange color due to the presence of carotene. Specifically, green colored plastid is called as chloroplast. Green color हम जानते हैं chlorophyll क्या होता है। Chlorophyll plant में अपने आप में importance रखता है। क्या importance रखता है? तो autotrophic plant, autotrophic है। Autotrophic मतलब they prepare their own food. कैसे prepare करते हैं? With the help of carbon dioxide, water, in presence of sunlight and chlorophyll. बिना chlorophyll के, बिना sunlight के वो अपना खाना बना ही नहीं सकते। तो हम लोग बहुत ज्यादा स्टडीज जो है वो chlorophyll से related करते हैं। इसलिए हम लोगों ने chlorophyll जिस chromoplast में है उसे अलग ही नाम दे दिया। बोले बार बार कौन chromo लिखेगा? Chromo लिखेंगे तो आप ये भी पूछोगे। इसलिए अलग नाम दे दिया गया which is called as chloroplast. ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एमिनेंट मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा। टेक्सटबुक में आपको एक लैंग्वेज मिलेगी स्ट्रोमा, एक वर्ड दे रखा है उन्होंने कि स्ट्रोमा के आसपास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। बड़ा मुश्किल है पढ़ना। लीफ, ये जो लीफ है इस लीफ के अंदर हमारे पास में मैंने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स को मैंने नाम दे दिया क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर अब मैंने मैट्रिक्स भर दिया, इसे मैंने नाम दे दिया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर ये हमने भरे, इन्हें हम लोगों ने नाम दे दिया ग्रैना। तो आप लोगों को वहां पे एक लैंग्वेज मिलेगी, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यहां पर बोला गया है कि जो आपके पास प्लास्टिड्स हैं वो कहां पर मिल रहे हैं? बोले स्ट्रोमा के अंदर। तो कौन से प्लास्टिड? ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट? क्रोमोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट, ज़ैंथोफिल वाला या कैरोटीन वाला। तो स्पेसिफिकली, बहुत अगर स्पेसिफिकली अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी दो पार्ट है, स्ट्रोमा और ग्रैना। ये स्ट्रोमा, ये वाला स्ट्रक्चर, और स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कहलाते हैं थैलाकोइड्स। ग्रेना, और ग्रेना के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। फिर वही बात, पेन कौन है? वैसा वाला ही वाला पार्ट आ गया, सुमंत कोचिंग क्लासेस में है या दहेज बाईपास रोड पे है, हॉल में है, टेबल पे है। तो क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल डेफिनेटली लीफ के अंदर है। अभी तक तो हम यही आंसर दे रहे थे, फिर आपको बोला स्पेसिफिकली नहीं बोले क्लोरोप्लास्ट बोलो तो भी ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास में ये जो आपको लैंग्वेज दे रखी है कि विद मटेरियल मेम्ब्रेन लेयर एम्बेडेड इन अ मटेरियल, तो एम्बेडेड लेयर
प्रेजेंट इन अ मटेरियल। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना, छोटे छोटे पार्ट्स थैलाकॉइड्स, और उनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर भी राइट है, स्टैटलाइट स्ट्रक्चर में भी राइट है, पूरे क्लोरोप्लास्ट में भी राइट है, और नाम दे तो लीफ में भी राइट है, सबके अंदर। तो क्लोरोफिल तो है ही ना, मैंने मना थोड़ी कर दिया। लैंग्वेज द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिक के अगर हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। कैसा है वो? न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, ये वाला पार्ट, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स विच आर एम्बेडेड इन अ मटेरियल। ये जो लेयर्स हैं ये कहाँ पर एम्बेडेड है? इन अ मटेरियल, एंड दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो अगर आप ये मटेरियल स्ट्रोमा पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल्स हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये जो बॉक्सेस हम यहाँ बना रहे हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं ग्रेना। ठीक है, तो अगर स्ट्रोमा वर्ड टेक्स्ट बुक में है तो स्ट्रोमा के साथ एक और वर्ड हमें अपने आप ऐड करना है, विच इज कॉल्ड एज ग्रेना। तो ग्रेना वो पार्ट है जहाँ पे प्लास्टिक, जहाँ पे क्लोरोफिल स्टोर है, और ग्रेना का है तो इट इज एम्बेडेड इन स्ट्रोमा, और ये दोनों का है तो दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का है लीफ के अंदर। तो थोड़ा घूम 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 वाली लैंग्वेज है, खाली ये लैंग्वेज के लिए मैंने आपको समझाया, ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा करना नहीं। ठीक, नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक हमारा वैक्यूम। वैक्यूल्स क्या है? तो वैक्यूल्स आर एम्प्टी स्पेस। आपको याद आएगा कि जब मैंने आपको अमीबा पढ़ाया था तो अमीबा खाना कैसे लेता है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बनाकर बताया था कि दिस इज कॉल्ड एज वैक्यूल। ये जो फूड पार्टिकल बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये फूड है, इसे अगर अमीबा को अंदर लेना है तो उसे अपने शूडोपोडिया को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, ये तो मूवमेंट हुआ। लेकिन ये जो खाना है ये इस कहाँ पर अंदर आ जाएगा? फूड वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। वैक्यूल, वैक्यूल का सिंपल मीनिंग एम्प्टी स्पेस। क्या होता है ये? इट इज अ स्टोरेज सैक, सैक भरने की चीज। इट इज अ स्टोरेज सैक फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर। फूड स्टोर कर सकते हैं, या हम लोग फूड भी वर्ड यूज मत करो, जनरल टर्म यूज कर लो, फॉर स्टोरिंग सॉलिड्स और लिक्विड्स। क्योंकि फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, जो चीज हमें बाहर निकालनी है वो सारी चीजें वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। पर क्या एज अ ह्यूमन हम लोग अपना सब सामान वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं या वैक्यूल के थ्रू अंदर ले रहे हैं? नहीं। तो इसलिए हमारा आंसर होता है कि वैक्यूल्स आर स्मॉल, दे आर स्मॉलर इन एनिमल्स बट लार्जर इन प्लांट्स। एनिमल्स को कम काम पड़ता है, हाँ अमीबा जैसे एनिमल को ज्यादा काम पड़ता है, लेकिन अमीबा खुद ही सिंगल सेल है तो छोटा ही हो, लेकिन वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट्स क्योंकि उन्हें हर एक चीज को स्टोर करना पड़ता है, जो भी खाना फूड वो अपना बना रहे हैं, स्टार्च वगैरह जो भी है उसे स्टोर करना है, तो कुछ चीज़ें प्लास्टिक में स्टोर हो जाती हैं, जो नहीं हुआ वो वैक्यूल में चला जाता है, फिर वैक्यूल से जब उधर जगह खाली होती है तो वहाँ भेज दिया जाता है। अब वैक्यूल में क्या भरेगा? तो प्लांट के पास में एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल उसका है गम रेजिन, हमारे काम का होता है, लेकिन प्लांट के लिए वो क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो वो जब तक बाहर नहीं निकाल रहा तब तक वो कहाँ स्टोर करके रखेगा? इट इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल। तो वैक्यूल आर लार्जर इन प्लांट्स एंड स्मॉलर इन एनिमल्स। ठीक, करीब करीब 50-90% जो सेल की वॉल्यूम है, किसके सेल की? प्लांट के सेल की, इट इज मेड अप ऑफ वैक्यूल। टॉपिक टेक्सटबुक के हमारे सारे कंप्लीट होते हैं। अब जो हमें करना है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, खाली डिफरेंस बता रहे। तो हम लोग बोलेंगे प्लांट सेल हैज सेल वॉल बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। प्लांट सेल हैज प्लास्टिड्स बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, वहां पे रो नहीं लिख देना, यहाँ पे लिखना लार्ज वैक्यूल्स, यहाँ पे लिखना एनिमल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स कंपैरेटिवली, ये बड़े होते हैं, इनके वैक्यूल्स छोटे होते हैं। एनिमल्स का स्पेशल पार्ट, दे हैव सेंट्रियोल्स while the plant cells do not have centrioles। अब अगर आपको ये चाहिए कि what are centrioles, तो उसकी definition आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देती हूँ कि centrioles are involved in development of, centrioles are involved in development of spindle fibers during cell division। सेल डिवीजन जब जाएगा माइटोसिस मियोसिस को ऐसे दूर दूर होते हैं, तो वो जब दूर दूर होते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होती है। एक प्रोसेस का नाम होता है कि भाई स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। अब स्पिंडल फाइबर क्या है मैम, ये तो बता दो, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, उसके लिए हमें पूरा माइटोसिस पूरा मियोसिस ये सब भी समझना पड़ता है। ठीक, अगर स्कूल वाले कभी आप लोगों को फोटोग्राफ्स दिखाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज जब आप लोग यहाँ पर होंगे तब हम लोग एक फोटो में आप लोगों को दिखाऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि स्पिंडल फाइबर किसे बोला जाता है, वो मेरे लिए ज्यादा इजी काम है। अभी फिलहाल काइंडली एडजस्ट, हम जब मिलेंगे तब एक बार मुझे वापस बोलना कि मैम स्पिंडल फाइबर बता दो, मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखा के समझा दूँ। यहाँ पर अभी फिलहाल खाली है, सेंट्रियोल्स क्या है, तो इट इज सॉरी दे आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फाइन, इस चैप्टर में अभी दो चीजें 5 मार्क के लिए आप लोगों को करना है, वो रहेगा डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। सब चीजें आपको सेम मिलेंगी, दोनों के पास आरई आ रहा है, दोनों के पास एससी आ रहा है, दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल मेम्ब्रेन है। डिफरेंस कहाँ जाएगा, यहाँ सेल वॉल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्लास्टिड्स है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ सेंट्रियोल है, यहाँ पर नहीं है, इसमें वैक्यूल बड़ा बनाना है, इसके अंदर वैक्यूल छोटा बनाना है। टेक्स्ट बुक में बराबर आपको दोनों डायग्राम्स दे रखे हैं, प्रैक्टिस आज से ही चालू कर दीजिए, डेली बनाइए, जब तक आप परफेक्शन पर नहीं पहुंचते तब तक आप लोग बनाइए। टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, खाली मैं एक बार रीड कर देती हूँ बिकॉज मैं सब कुछ कंप्लीट कर चुकी हूँ। फर्स्ट है राइट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, हो गया। सेकेंड, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक, याद आएगा, पॉइंट्स लिखवाएगा थे आपको कि प्रोकैरियोट्स जो है दे लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। फिर साइज से रिलेटेड पार्ट आपको लिखवाया था, देखिए। उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहले काम बताइए कि इट हेल्प्स इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड पार्टिकल्स, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर है, वो नहीं होगा तो कोई भी पार्ट अंदर बाहर आना जाना चालू हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गॉल्गी बॉडीज, गॉल्गी बॉडीज अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स या जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया है, इट विल नॉट बी पॉसिबल। एंड सेकेंडली, नो लाइसोसोम्स विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई, तो आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और पूरी डेफिनेशन माई एटीपी वगैरह की आपको पूरी समझाई गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, लिपिड्स कहाँ बनते हैं, तो एसीआर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, आरईआर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड,
तो वो पूरा सुडोकोडिया वाला आपको डायग्राम समझाया था कि ये ऐसे ऐसे मूव करता है, वो डायग्राम आपको ड्रॉ करके देना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस ये भी बताया हुआ है, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप लिख रहे हैं उसके बिना आंसर पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों को लिखना होगा, वो लिख लीजिए। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्क्वीज ईच वन आउट टू मेक अ पोटैटो कप। पोटैटो लीजिए, उसे छीलिए और अंदर से खाली कर दीजिए। ऐसे 4 पोटैटोस आप लोगों को लेना है, एक कप के फॉर्म में वो बताना है, अंदर का पूरा पार्ट आप लोग निकाल देंगे, ऐसा उन लोगों ने दिया है। वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम बॉइल्ड पोटैटो, पुट ईच पोटैटो कप इन ट्रफ कंटेनिंग वाटर। अब क्या किया, सबको पानी की ट्रे में रख दिया, उसमें से एक, तीन तो ठीक है, तीनों पानी की ट्रे में रखे हुए हैं, फोर्थ वाला जो पार्ट है उसे हमने बॉइल्ड पोटैटो कर दिया। कौन सा पोटैटो, बॉइल, ये सब खाली छीन छीन के रखे हुए हैं तीनों, और फोर्थ वाले को हमने बॉइल कर दिया। अब फर्स्ट में पूछ दिया है कि कप ए एम्प्टी, ए वाला जो हमारा पोटैटो है उसे खाली करके और पानी में रखा हुआ है। बी वाले के लिए बोला है पुट 1 teaspoon शुगर, बी वाले के अंदर शुगर डाल दिए। थर्ड वाले में पुट 1 teaspoon सॉल्ट, और फोर्थ वाले में बोला है पुट 1 teaspoon शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी, जो बॉइल्ड वाला लिया था वो डी नंबर पे लिया है और उसके अंदर भी शुगर डाल दिया। कीप दिस फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग, अब इन चारों को देख के हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाय वाटर गैदर्स इन द हॉलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी, जो उसका हॉलो पोर्शन था वहाँ पे पानी इकट्ठा होना चालू हो गया। पानी इकट्ठा हुआ क्यों, क्योंकि आपने जहाँ रखा है वो पानी के अंदर रखा है। मीडियम कौन सा हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक की प्रॉपर्टी क्या थी, द सेल गेट्स स्वेलअप, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और जो खाली जगह है वहाँ पर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको रीजन देना है बिकॉज बी एंड सी आर कैप्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब ए वाले में हमने कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है मतलब कुछ किया ही नहीं हमने, कोई मीडिया भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग उसे बोलेंगे इट इज नो मीडियम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हमें उसमें कोई भी चेंज देखने के लिए अभी नहीं मिल रहा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए वाले के लिए रीजन रहेगा आइसोटोनिक है इसलिए कुछ भी गैदर नहीं हुआ, और डी वाले के लिए आप लोग लिखेंगे आंसर, प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए। सिंस द डी इज बॉइल्ड पोटैटो, सिंस द डी इज बॉइल्ड पोटैटो सो द सेल मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड। सेल मेम्ब्रेन उसके जो आउटर मोस्ट पार्ट था वो रप्चर हो गया, टूट गया, एंड देयरफॉर ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर। अब ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, ऑस्मोसिस के लिए क्या चाहिए था हमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर वो मेम्ब्रेन ही गायब हो चुकी तो अब वो पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, तो नो ऑस्मोसिस अकर। यह आप लोगों को चाहिए था, यह आंसर एक्स था। इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।